नमस्कार, निटिंग एंड क्रोशे ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको 1 ईयर बेबी के लिए यह हैट बनाने का तरीका बताने जा रही हूँ। बहुत ही आसान है इसे बनाना। इसे बनाने के लिए मैंने 4 ply ऊन है और 10 नंबर की सिलाई का उपयोग किया है। इस कैप को यहाँ से बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले इस पार्ट को बनाते हैं। इसे बनाने के लिए इसमें मैंने 30 फंदे लिए हैं और इस 30 फंदे को दोनों तरफ से सीधा ही बुनेंगे। इससे बड़े साइज़ का बनाना चाहें तो 2-4 फंदे बढ़ा सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं ये कैप कैसे बनाया जाता है। इस कैप को बनाने के लिए सबसे पहले इसमें 30 फंदे लेंगे और दोनों तरफ से सीधा बुनेंगे। सीधा बुनते हुए ये देखिए 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 42, 43, 44, ये 45 रो दोनों तरफ से सीधा बुनते हुए पूरा कर लेंगे। इसके बाद ये जो 30 फंदे हैं इसे इस तरह से एक पिन पर उठा लेंगे। एक एक कर सभी फंदों को इस पिन पर उठा लेंगे। ये देखिए धागा इस तरफ है, ये जो किनारा दिख रहा है उसका ये फंदा। इस तरफ से एक एक कर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इस तरह से एक एक फंदा उठा लेंगे और यहाँ पे 45 फंदा हो जाएगा। ये 45 फंदे उठा लेंगे। उसके बाद 1, ये पूरी सिलाई सीधा बुन लेंगे। इस तरह से सीधा बुन लेंगे। ये आखिरी का फंदा इसे उल्टा बुन लेंगे। ये दूसरी सिलाई है, इसमें देखिए ये पहला फंदा उतार लेंगे। उसके बाद 21 फंदे को इस पहला फंदा उतार लेंगे। उसके बाद 21 फंदा इस तरह से सीधा बुनेंगे। ये देखिए ये 21 फंदे हो गए। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21 इधर भी देखिए 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21 अब यहाँ बीच में ये 3 फंदे बचते हैं। इन तीनों को इस तरह से एक साथ सीधा बुन लेंगे। उसके बाद फिर ये पूरी सिलाई सीधी बुनेंगे। आखिरी का फंदा इसे उल्टा बुन लेंगे। थर्ड रो में ये पूरी सिलाई सीधे बुन लेंगे। पहला फंदा उतारेंगे, उसके बाद सभी फंदों को सीधा बुन लेंगे। ये चौथी सिलाई है, इसमें फिर ये 20 फंदा सीधा बुनेंगे। 3, 3, 6, 7, 8,
नौ, दस, ग्यारह, बारह, तेरह, चौदह, पंद्रह, सोलह, सत्रह, अठारह, उन्नीस और ये 20। दूसरी सिलाई में इसमें 21 फंदे थे, अब ये देखिए 20 फंदा हो गया। दो, चार, छः, आठ, दस, बारह, चौदह, 18 और ये 20। फिर उसी तरह से ये तीन फंदा, एक, दो और ये तीन, इन तीनों फंदों को एक कर लेंगे। उसके बाद इधर देखिए दो, चार, छः, आठ, दस, बारह, चौदह, सोलह, 18 और ये 20 फंदे बचे। इस तरह से दोनों तरफ से एक एक फंदा यहाँ पे घटता चला जाएगा। ये पूरी सिलाई सीधी बुन लेंगे। इसके बाद पांचवी सिलाई भी सीधा बुनेंगे, फिर छठी सिलाई में इसी तरह फंदे को घटाएंगे। देखिए ये छठी सिलाई है, इसमें फिर देखिए दो, चार, छः, आठ, दस, बारह, चौदह, सोलह, सत्रह, अठारह और 19। पिछली सिलाई में पहले 21 फंदा, फिर 20, अब ये 19 फंदा है। इसी तरह दोनों तरफ से एक एक फंदा घटता चला जाएगा। यहाँ फिर 19 फंदे के बाद ये तीन फंदे का एक फंदा बना लेंगे। फिर ये पूरी सिलाई सीधी बुन लेंगे। ये देखिए फिर सातवीं सिलाई, ये पूरी सिलाई सीधी बुन लेंगे। इसमें एक तरफ से ये फंदा घटाएंगे और दूसरा तरफ ऐसे ही सभी फंदों को सीधा बुन लेंगे। इस तरह इसे इस तरह से दोनों तरफ से एक एक फंदा कम होते हुए इसे घटा लेंगे। ये देखिए यहाँ बीच में तीन फंदा हर सिलाई में घटाते चले जाएंगे। ये देखिए ये दोनों तरफ से एक एक फंदा घटाते हुए इस तरह से ये बन जाएगा। इन सभी फंदों को भी उसी तरह घटाना है। ये देखिए चार, पाँच और ये छः फंदे हुए। फिर इन तीनों को मिला करके एक फंदा, उसके बाद एक, दो, तीन, चार, पाँच और ये छः फंदा। दूसरे साइड ये पूरी सिलाई सीधी बुनेंगे। इसी तरह एक एक फंदा दोनों तरफ से लेते हुए ये तीन का एक कर देंगे। इस तरह से ये तीन फंदे का एक फंदा कर देंगे। उसके बाद धागे को काट देंगे।
ये देखिए इस तरह से ये बनके तैयार हो गया। जैसे इधर फंदे उठा करके इसे बुने थे उसी तरह यहाँ भी फंदे उठा लेंगे, वही 45 फंदा उठाना है। वही टेक्निक रहेगा, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 एक एक फंदा उठाते हुए। इसमें चूंकि 45 रोज बनाए थे तो ये 45 फंदा हो जाएगा। ये देखिए इस तरह से 45 फंदे हो गए। मैंने इस तरफ ये फंदे उठाए थे, अब यहाँ उसी तरह 45 फंदे उठा लिए। उसी तरह से बुनेंगे सीधा। ये पूरी सिलाई सीधी बुन लेंगे। ये दूसरी सिलाई है, देखिए जैसे यहाँ बीच में दोनों तरफ 21 और 21 फंदा छोड़ देंगे और बीच में ये 3-3 फंदा घटाते हुए जाएंगे। उसी तरह इस साइड भी, यहाँ पर भी उसी तरह से 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 और ये 21 फंदे हो गए। इधर भी देखिए 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 और ये 21। ये बीच में जो 3 फंदा बचा उसे इस तरह से जैसे ये बनाए हैं उसी तरह इसको भी ये 3 फंदे एक फंदा बना लेंगे। उसके बाद इन सभी फंदों को सीधा बुन लेंगे। ये जैसे बनाए हैं वैसे ही इधर भी बना लेंगे। देखिए जैसे इधर बनाए थे उसी तरह इधर भी अब ये पूरा हो गया। अब यहाँ ये जिधर फंदा ये पिन पे चढ़ाए थे इस तरह यहाँ से एक एक फंदा उठाते चले जाएंगे। उसी तरह से पहले ये फंदा उठाएंगे, ये देखिए इस तरह से 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21। ये देखिए यहाँ 21 फंदे उठा लिए। अब ये फंदा भी इस सिलाई पे डाल लेंगे, उठा लेंगे। इस तरह ये सभी फंदे इस पर सिलाई पे डाल लेंगे। ये देखिए ये पिन पर वाले ये 30 फंदा इसे इस पर डाल लिए। इधर 21 फंदा उठाए थे, 21 फंदे उठाए थे, यहाँ 30 फंदा हो गया और फिर इधर अब 21 फंदे उठा लेंगे। उसी तरह से एक एक फंदा इस तरह से ये देखिए इस तरह से यहाँ 21 फंदे, ये बीच में 30 फंदे थे और ये 21 फंदे सिलाई पे डाल लिए हैं। फंदा को उठाने के बाद अब इस पर एक उल्टा इस तरह से एक उल्टा, फिर धागा पीछे करेंगे, एक सीधा बुनेंगे, फिर धागा आगे करेंगे, एक उल्टा धागा पीछे एक सीधा, इस तरह से एक सीधा और एक उल्टा करते हुए 12 सिलाई तक बॉर्डर बुन लेंगे।
इस तरह से देखिए एक सीधा एक उल्टा करते हुए बॉर्डर बना लेंगे। इस तरह से 12 सिलाई तक इसी तरह बुनेंगे और ये बॉर्डर बना लेंगे। देखिए 10 से 12 सिलाई तक ये बॉर्डर बना लीजिए। उसके बाद एक सीधा और उल्टा की जगह इसे उल्टा बुनिए, फिर इसे ऊपर से गिरा देंगे, धागा पीछे करेंगे, सीधा बुनेंगे, फिर इस फंदा को ऊपर से गिरा देंगे, फिर धागा आगे करेंगे, उल्टा बुनेंगे, धागा पीछे करेंगे, इस फंदा को भी ऊपर से गिरा देंगे, धागा आगे, उल्टा फंदा बुनेंगे, धागा पीछे से गिरा देंगे, फिर ये सीधा बुनेंगे। इसी तरह इन सभी फंदा को बंद कर देंगे। इस तरह से देखिए इन सभी फंदों को बंद कर देंगे। उसके बाद ये एक फंदा जो बचा हुआ है इसी तरह ने देंगे। इसमें अब इस तरह से 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8 फंदा इस तरह से उठा लेंगे। इसे एक उल्टा एक सीधा एक उल्टा करते हुए जहाँ उल्टा है वहाँ उल्टा, जहाँ सीधा है वहाँ सीधा, जैसे ये बॉर्डर मैंने बनाया है उसी तरह इसे भी बुन लेंगे। देखिए एक सीधा एक उल्टा करते हुए इसे कम से कम 5 इंच तक बुनेंगे। ये देखिए इस तरह से अब इसे बंद कर देंगे। इन सभी फंदों को एक एक कर बुनते हुए बंद कर देंगे। ये बन गया, दूसरी तरफ भी इसी तरह बना लेंगे। ये देखिए ये कैप अब बन गया है। अब यहाँ पे ये हैट कैसे बनाया जाता है ये मैं बताऊँगी। हैट बनाने के लिए इसमें मैंने 56 फंदे लिए हैं। इसे ये पहली सिलाई है, पूरा सीधा बुन लेंगे। सभी फंदों को सीधा बुन लेंगे। ये दूसरी सिलाई है, इसमें देखिए इधर 24 फंदे छोड़ देंगे, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24
24 फंदे छोड़ने के बाद यहाँ से सिलाई को घुमा लेंगे, इस फंदे को उतारेंगे, उसके बाद 2 3 बीच में इधर भी 24 फंदे हैं और इधर भी 24 फंदे, बीच में यहाँ पे ये 6 फंदा हो गया, उसके बाद ये 2 फंदा इस तरह से बुन लेंगे, फिर सिलाई को यहीं पर घुमा लेंगे, इस फंदा को उतारेंगे, उसके बाद 2 3 4 5 6 7 और ये 8 फंदा हो गया। अब देखिए ये जो 2 फंदा है इसे फिर बुन लेंगे, 9 और 10, फिर सिलाई को यहीं पे घुमा लेंगे, इस फंदा को उतार लेंगे, उसके बाद 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 फंदा हो गया। उसके बाद इन 2 फंदों को फिर साथ में बुन लेंगे, 11 और ये 12 फंदा, ये देखिए इस तरह से, फिर इसे घुमा लेंगे, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, अब देखिए फिर ये 2 फंदा, 13 और ये 14 हो गया। इसी तरह इसे 2-2 फंदा दोनों तरफ से बुनते जाएंगे, अभी ये 14 फंदा हो गया, अब 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये 14 हो गया। अब 14 के बाद देखिए फिर ये दोनों फंदा इसे बुन लेंगे, 15 और ये 16 फंदा हो गया, इसे फिर घुमा लेंगे, इस फंदा को उतारेंगे और फिर अब 18 फंदा बुनेंगे, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और ये 16 फंदा हो गया। अब फिर इस सिलाई पे जो 2 फंदे हैं इसे फिर बुन लेंगे, 17 और ये 18 हो गया, फिर यहीं से इसे घुमा लेंगे, इसी तरह 2-2 फंदा दोनों तरफ से लेते हुए यहाँ तक इसे बुनेंगे, ये देखिए दोनों तरफ से 2-2 फंदा बुनते हुए ये अब इस तरह का बन गया है। अब सभी फंदों को एक एक कर बंद कर देंगे इस तरह से, सभी फंदों को बंद कर देंगे, ये देखिए इस तरह से सभी फंदों को बंद करेंगे, इस तरह से देखिए सभी फंदों को उतार दिए हैं। इसके बाद इसको इस तरह से मिला करके इस तरह से मिला करके सिल देंगे,
इस तरह इसकी सिलाई कर देंगे। ये देखिए, इसे अब इस तरह से इसे ज्वाइंट कर लेंगे। इस तरह से इसे ज्वाइंट कर लेंगे। देखिए इस तरह से ज्वाइंट कर लेंगे। उसके बाद दूसरे साइड से भी इसकी इस तरह से सिलाई कर लेंगे। ये कैप बनकर के तैयार है। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। यदि ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।